हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इसमें, आप अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, ब्लैक एंड येल्लो। अ बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज 1/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ येल्लो इज 1/5। तो आपको क्या क्या बताना है, देखो। ए, वॉट इज़ द प्रॉबिबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, आपको यहाँ पर ब्लैक बॉल की प्रॉबिबिलिटी बतानी है। एंड बी क्या है इसमें कि हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, ब्लैक एंड येल्लो, मतलब कितने बॉल्स ब्लैक हैं, कितने ग्रीन हैं और कितने येल्लो हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो अब इसमें एन ऑफ एस क्या होगा, तो एन ऑफ एस होगा यहाँ पर देखो 15, कितने बॉल्स हैं, 15 बॉल्स है ना, तो ये हो जाएगा आपका एन ऑफ एस, ठीक है। अब ये जो ग्रीन, ब्लैक एंड येल्लो बॉल्स है ना, इनको हम कंसिडर करेंगे जी, बी एंड येल्लो रेस्पेक्टिवली। यहां पर मैं लिखती हूं कि लेट कौन कौन से कलर के हैं, ग्रीन, ब्लैक एंड येलो बॉल्स बी जी बी एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में, यहां पर ना ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/3। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या दिया गया है, 1/3, इट इज गिवन। तो अब यहां पे आप ध्यान देना, अगर हमें ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ एस, यही लिखेंगे ना। तो हमारे पास ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है क्या, 1/3 इज इक्वल टू, फिर एन ऑफ जी हमें नहीं पता है और यहाँ पर एन ऑफ एस कितना है 15, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 15। अब 15 को इधर ले लो तो 15/3 इज इक्वल टू एन ऑफ जी, तो यहाँ पर एन ऑफ जी कितना मिलेगा आपको, देखो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, मतलब एन ऑफ जी आपको मिलेगा 15। ओके, समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर आगे देखिएगा क्वेश्चन में, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/5। देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितना दिया गया है, 1/5, ठीक। तो जब हमें येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू एन ऑफ y अपॉन एन ऑफ s, राइट। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना है, 1/5 इज इक्वल टू एन ऑफ वाई, हमें नहीं पता एन ऑफ एस कितना, 15, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 15। ओके, अब 15 को इधर ले लो तो 15/5 इज इक्वल टू एन ऑफ वाई, मतलब देखो एन ऑफ वाई कितना मिलेगा आपको, 5 × 5, 5 × 3 = 15, मतलब यहाँ पर आ गया 15, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो आपके पास ग्रीन बॉल्स कितने हैं 5, येलो बॉल्स कितने हैं 3 और टोटल बॉल्स कितने हैं 15, तो क्या हम इन तीनों की हेल्प से ब्लैक बॉल को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी टोटल बॉल्स इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रीन बॉल है ना, ग्रीन बॉल्स प्लस येलो बॉल्स प्लस ब्लैक बॉल्स, राइट। तो अब देखिए टोटल बॉल्स कितने हैं 15, है ना, एन ऑफ एस का मतलब क्या, टोटल बॉल्स, ठीक है, और एन ऑफ जी का मतलब क्या कि ग्रीन बॉल्स कितने हैं, और एन ऑफ वाई का मतलब क्या कि येलो बॉल्स कितने हैं, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितने हैं 15, ग्रीन बॉल्स कितने हैं 5 प्लस येलो बॉल्स कितने हैं 3 प्लस ब्लैक बॉल्स
तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 15 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 प्लस ब्लैक बॉल्स। अब क्या करेंगे हम, 8 को इधर ले लेंगे तो 15 माइनस 8 कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी देयर फॉर ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू क्या होगा, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7, मतलब n ऑफ b कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, अब आप क्वेश्चन में आ जाइए, देखो जो आपका a है, a फोर्थ का a, इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, आपसे ना ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो क्या आपके पास n ऑफ b है, अभी अभी हमने निकाला है ना 7, n ऑफ s कितना है तो 15, तो यहाँ पर लिख दो 15, ये हो गया आपका आंसर। अब b इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी बॉल्स आर ग्रीन ब्लैक एंड येलो, मतलब कितने बॉल्स ग्रीन हैं, कितने बॉल्स येलो हैं और कितने बॉल्स ब्लैक हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो, देखो क्या लिखोगे, ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल्स कितने हैं 5, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन बॉल के बाद क्या है, येलो, ठीक है, तो येलो बॉल्स कितने हैं, थ्री, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। उसके बाद ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 7, तो यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें क्या दिया गया है कि अ बॉक्स कंटेन 75 टिकट्स नंबर 1 to 75। तो यहाँ पर देखो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 ... 75, मतलब एक बॉक्स है जिसमें कितने टिकट्स हैं, 75 टिकट्स हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। ओके, अब इसमें n ऑफ s क्या होगा, तो कितने टिकट्स हैं, 75, तो ये हो गया आपका n ऑफ s। ओके, अब यहाँ पर देखो इवेंट्स दिए गए हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो जो a है ना, इसमें क्या दिया है, नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 6। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको हम कंसिडर करेंगे इवेंट ए, ठीक है, लेट इवेंट ए, क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 6, नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 6, मतलब वो नंबर टिकट के ऊपर होना चाहिए जो डिविजिबल बाय 6 हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, पूरा आप 6 का टेबल लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर 80, 30, 42, 42 और इसके आगे क्या होगा, देखो 66 होगा, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 72, और अगर हम फिर से इसमें 6 को ऐड करेंगे तो 78, मतलब 75 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब n ऑफ a कितना आएगा, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर आ गया 12। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू, n ऑफ a कितना है 12, n ऑफ s कितना 75, तो देखिए 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 4/25। ओके, अब इसमें देखिए b,
क्या दिया है, नंबर ऑन टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर। देखो यहां पर मैं लिखूंगी लेट इवेंट बी, क्या आएगा यहां पर, नंबर ऑन टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर b इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब क्या, मैंने आपको बताया था 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, फिर उसके बाद 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए लिख देते हैं 1 4 9, फिर क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, तो 9 के बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यस, उसके बाद 25 एंड देन 36, फिर यहाँ पर 49 आ जाएगा, है ना, उसके बाद 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, फिर 9 का स्क्वायर 81, तो 81 तो 75 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें 75 से कम ही नंबर लेने हैं, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो n ऑफ b इज इक्वल टू कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 8, ओके। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, तो n ऑफ b इज 8 एंड n ऑफ s कितना है 75, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर c क्या दिया है, नंबर ऑन टिकट इज प्राइम। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको मैं कंसिडर करूंगी इवेंट c, तो लेट इवेंट c नंबर ऑन टिकट इज प्राइम। तो यहां पर c इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, देखिए प्राइम नंबर मतलब क्या, वो नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो 1 से लेकर के 75 तक जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, उन सभी को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होता है। तो 2 आएगा यहाँ पर, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 9 10 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 13 के बाद 14 15 16 17 आ जाएगा, 17 के बाद 18 19, फिर 20 21 22 23 24 25 26 27, तो 27 आएगा क्या, आप ज़रा सोचो इसके कितने फैक्टर्स हैं, एक तो 1, दूसरा 3 भी है ना, फिर 9 भी है, तो इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो 27 नहीं आएगा। उसके बाद 28 29, तो 29 आएगा क्या, सोचिए ज़रा कितने फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, एक तो 1, दूसरा 29 खुद, तो 29 आएगा, देन 31 आ जाएगा, 33 आएगा, सोचो 33 आएगा, नहीं, 34 35 36 37 आएगा क्या, देखिए 37 आआएगा, हाँ 37 आएगा, देन 38 39 40 41, फिर उसके बाद 43 आएगा क्या, तो 43 भी आएगा, 45 46 47, तो 47 आ जाएगा, है ना, 48 49 50 51 51 आएगा क्या, नहीं 51 नहीं आएगा, उसके बाद 52 53 आ जाएगा, देन 54 55 56 57 58 59 59 आएगा क्या, सोचिए ज़रा इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 हो गया, 2 तो नहीं होगा, 3 होगा क्या, 3 भी नहीं होगा, मतलब ये भी आ जाएगा, ठीक है ना, इसके भी बस दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और दूसरा 59 खुद, तो 59 को लिख लेंगे, उसके बाद आएगा 61, देन 63 नहीं आएगा, 64 65 67 आ जाएगा, फिर 68 60 69 वो नहीं आएगा, 71, देन 71 के बाद क्या आएगा, 72 73, हाँ 73 को लिख सकते हैं, फिर 74 एंड 75, तो 75 नहीं आएगा, बस हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, हम 1 से लेकर के 75
तक के प्राइम नंबर्स को ही लेंगे, ठीक है। इसके आगे हमें 75 के आगे नहीं जाना है। अब ये कितने नंबर्स हैं इनको आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कितने हैं 21। Probability of C is equal to N of C upon N of S, तो N of C कितना है 21, N of S है 75। तो देखिए 3 7 21 3 2 6 3 5 15, यहाँ पर आ गया 7/25। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाई 3 and 5। देखो मैं यहाँ पर इस इवेंट को कंसिडर करूंगी डी, ठीक है, लेट इवेंट डी। क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 3, क्या दिया है एंड 5, 3 and 5, ठीक है। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसमें क्या दिया है कि नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 3 and 5, मतलब हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो डिविजिबल बाय 3 भी हो और डिविजिबल बाय 5 भी हो, समझ में आ रहा है, मतलब जिसको हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो अगर आप ऐसे करने बैठोगे, चेक करते रहोगे कि कौन सा नंबर 3 से हो रहा है, कौन सा 5 से हो रहा है, तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए एक आसान तरीका आप समझो, क्या आपके पास 3 है और 5 है, राइट, तो आप इन दोनों का क्या फाइंड करो, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, देखो 3 1 3, यहाँ पर 5 लिख दिया, फिर यहाँ पर 5 1 5, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 क्या आया 15, दोनों का एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या मिला आपको 15, राइट। तो अब 15 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं आप उन सभी को यहाँ पर लिख दो। तो देखो 15 1 15 15 2 30 15 3 45 15 4 60 and 15 5 75, हमें इसके आगे नहीं जाना है, देखो है ना, यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो n ऑफ d कितना मिला आपको, 1 2 3 4 5, तो यहां पर लिख दो 5। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल टू क्या होगा, n ऑफ d अपॉन n ऑफ s, तो n ऑफ d कितना आया 5, n ऑफ s कितना, देखो यहाँ पर 75, ठीक है, तो 5 1 5, यहाँ पर 5 1 5 5 5 25, कितना आ गया 1/15, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी कंटेन्स 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 बॉयज। तो देखो यहाँ पर आप ना क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखो एक ग्रुप में ना 8 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि ग्रुप consist of 8 boys and 5 girls, ठीक। तो अब देखिएगा यहां पर that is 8 boys है 5 girls है, तो total कितना हो जाएगा 13 persons, मतलब यहां पे कितने person हो गए 13%। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, मतलब 5 पर्सन की ना कमिटी बनाई गई, तो समझना है इसको कैसे लिखेंगे हम कि अ कमिटी ऑफ 5 पर्सन
फ्रॉम 13 persons is to be formed. तो यहां पर n of s क्या होगा, देखो टोटल कितने persons है, 13 है, और कितने पर्सन की कमिटी बनाई गई है, तो 5 पर्सन की, तो यहां पर n of s क्या होगा, 13c5। समझ में आया आपको मैंने n of s कैसे निकाला? ओके, अब यहां पर जो आपका a है ना, इसमें क्या दिया है कि 3 boys and 2 girls, क्या दिया इसमें, 3 boys and 2 girls, तो आपको यहां पर क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसको हम कंसीडर करेंगे इवेंट P, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखती हूं लेट इवेंट P 3 boys and 2 girls, तो यहां पर n ऑफ p क्या होगा, देखो यहां पर कितने बॉयज हैं, तो 8 boys हैं, कितने 8, ठीक। अब 8 में से कितने बॉयज को आप सेलेक्ट करोगे, 3 boys को, तो यहां पर क्या आएगा, 8c3, समझ में आया। फिर इनटू, अब गर्ल्स कितनी है, तो 5 girls हैं, तो 5 में से आप कितनी गर्ल्स को सेलेक्ट करोगे, 2, क्योंकि यहां पर इसने बोला हुआ है कि 3 boys and 2 girls, मतलब वो जो कमिटी है ना, वो टोटल कितने पर्सन की कमिटी है, 5 पर्सन की, ठीक है। तो अभी उस कमिटी में 3 boys होने चाहिए और 2 girls होनी चाहिए, तो आपके पास बॉयज कितने हैं, 8 boys हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 boys को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके पास गर्ल्स कितनी है, तो 5 girls हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 girls को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका n ऑफ p। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ p क्या होगा, n ऑफ p अपॉन, आप यहाँ पे कुछ और नाम लिख सकते हो, ठीक है, क्यू लिख दो, वैसे आप p भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर q लिख दो, क्योंकि दोनों ही pp हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर n ऑफ q अपॉन n ऑफ s, ओके। अब n ऑफ q कितना आया है, 8c3 इंटू 5c2 अपॉन n ऑफ s, देखो यहाँ पर है 13c5, राइट। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए b, इसमें क्या दिया है, एटलीस्ट 3 boys, तो इस इवेंट को मैं कंसिडर करूंगी इवेंट r, ठीक है, लेट इवेंट r, क्या दिया इसमें, एटलीस्ट 3 boys, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो क्या बोला है इसमें, एटलीस्ट 3 boys, मतलब वो जो 5 पर्सन की कमिटी है ना, उसमें कम से कम 3 boys तो होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, 3 से कम नहीं होने चाहिए, अगर 3 से ज़्यादा हुए तो चलेगा, जैसे कमिटी के अंदर 4 boys हो सकते हैं, 5 boys हो सकते हैं, लेकिन 2 boys नहीं हो सकते, 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप समझना, देखो आपके पास कितने बॉयज हैं, तो आपके पास 8 boys हैं, आपके पास गर्ल्स कितनी हैं, तो आपके पास हैं 5 girls, ओके। अब वो जो कमिटी है वो कितने पर्सन की है, 5 पर्सन की है, राइट। यहाँ पर क्या बोला है कि कम से कम 3 boys, ठीक है। तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं, देखो या तो आप क्या करो, 3 boys लो और 2 girls लो, या फिर और आप क्या करो, 4 boys लो और 1 girl लो, और 5 के 5 boys ले लो और 0 girl ले लो, समझ में आ रहा है आपको, क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, एटलीस्ट कम से कम 3 boys, ओके। तो 3 से ज़्यादा हुए तो चलेगा, मतलब 3 boys और 2 girls, ये एक कमिटी हो सकती है, या फिर 4 boy और 1 girl, ऐसे करके आपकी कमिटी हो सकती है, या फिर 5 के 5 उस कमिटी में क्या हो, बॉय हो, तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो अब ये जो फर्स्ट वाला है, मैंने आपको क्या बोला, 3 boys and 2 girls,
यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपके पास टोटल 8 बॉयज़ हैं, इनमें से आपको 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करना है, तो 8C3। आपके पास गर्ल्स कितनी हैं, 5, इनमें से आपको 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, 5C2। तो यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो N of R इज इक्वल टू 8C3 इंटू 5C2, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, प्लस, यहाँ पर क्या है, और है ना, तो प्लस आएगा, ओके। अब यहाँ पे दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि 4 बॉयज एंड 1 गर्ल, तो आपके पास बॉयज कितने हैं, 8 बॉयज हैं, कितना सेलेक्ट करना है, 4, तो 8C4 आ जाएगा। गर्ल्स कितनी, 5, सेलेक्ट कितना करना, 1, तो 5C1 आ जाएगा, तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख दो, 8C4 इंटू 5C1, ओके, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पर थर्ड वाला क्या है कि 5 बॉयज, कितने बॉयज हैं, 8 बॉयज हैं, 5 को सेलेक्ट करना है, मतलब 8C5 इंटू, गर्ल यहाँ पे कितना दिया है, 0, मतलब 5 में से आपको क्या करना है, 0 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो इसको आप यहाँ पर लिख दो, 8C5 इंटू 5C0, ओके। तो ये हो गया आपका N of R। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ R क्या होगा, देखो N of R upon N of S, तो N of R ये जो आया है ना, आप इसको यहाँ पर लिख दो, 8C3 इंटू 5C2 प्लस 8C4 इंटू 5C1 प्लस 8C5 इंटू 5C0 अपॉन N of S कितना है, 13C5, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 13C5, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। अब जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।